सो हाय गाइस, आई होप एवरीवन ऑफ यू इज डूइंग रियली वेल। सब लोग बढ़िया कर रहे होंगे, आई रियली बिलीव ऑन दैट। एम था मेरा आज आप लोगों के साथ लाइव आने का, बट दुबई के अंदर नेटवर्क रियली डोंट नो व्हाई थोड़ा सा डाउन रहता है। इट इज़ नॉट ईजी टू गो लाइव ऑन यूट्यूब दुबई से। तो काफ़ी ट्राई करा लेकिन नहीं हो पा रहा। तो आई एम मेकिंग अ शॉर्ट वीडियो फॉर यू अगेन फॉर द मार्केट अपडेट। अभी फ़िलहाल मैं हूँ बिल्कुल बुर्ज खलीफा के सामने और शायद आप लोगों के लिए अभी फाउंटेन शो शायद स्टार्ट होने वाला होगा। दैट इज़ वाई आई एम रिकॉर्डिंग फ्रॉम हियर, ताकि आप लोगों को वो व्यू भी मिलता रहे जो कि फाउंटेन शो में होता है। आई गेस दे विल स्टार्ट इन अबाउट फ्यू सेकेंड्स मोर। अगर अभी हम मार्केट की अपडेट लें तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, बिटकॉइन डोमिनेंस इज इंक्रीजिंग, बिटकॉइन इज लुकिंग सुपर स्ट्रांग। बिटकॉइन यहाँ से अगर थोड़ा बहुत ऊपर की करेक्शन नीचे की करेक्शन लेता भी है, बट आई स्टिल बिलीव बिटकॉइन इज रियली स्ट्रांग राइट नाउ एंड ऑल टाइम हाई भी क्रिएट हो सकता है वेरी वेरी सून फॉर द बिटकॉइन। अक्टूबर मंथ जैसा चलता है बिल्कुल वैसा ही चल रहा है, एवरी वीक इज गोइंग अप। एंड इफ यू सी द चार्ट्स ऑफ लाइक 2017 2013 आपको दिखाई देगा हर हफ्ता जो अक्टूबर का निकलता है उसके अंदर एक नया हाई क्रिएट होता है। बेशक वो हाई बहुत बड़ा हाई नहीं होता लेकिन नया हाई क्रिएट होता है। एंड नवंबर देन मूव टू अ बिग ऑल टाइम हाई। तो वही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस सीजन भी। और इस वक्त बहुत बड़े बड़े क्रिप्टो के इवेंट्स हो रहे हैं वर्ल्ड वाइड, एंड दुबई के अंदर भी बहुत बड़ी एक्सपो है और बहुत सारी जगहों पे एक्सपोज एंड इवेंट्स हो रहे हैं। तो मार्केट इज क्वाइट बुलिश ऑन बिटकॉइन एंड क्रिप्टो मार्केट। अगर हम बात करें बिटकॉइन की डोमिनेंस, वो बढ़ती जा रही है। बिटकॉइन धीरे धीरे अगर यहाँ से बिटकॉइन और ऊपर जाता है तो फॉर श्योर बिटकॉइन की डोमिनेंस और इंक्रीज होएगी, और जहाँ पे वो इंक्रीज होएगी फॉर श्योर इट विल रिजल्ट इन टू ऑल्ट कॉइन टू गो डाउन। मतलब कि ऑल्ट कॉइन तब वहाँ पे नीचे जा सकते हैं। तो हमारे को उससे अगर बचना है तो अभी थोड़ी सी आप अवॉइड कर सकते हो ऑल्ट कॉइन ट्रेडिंग। लेकिन आई विल लीव, अगर आप गुड प्रोजेक्ट्स के अंदर एंट्री ले चुके हो, ले रहे हो और उसको लो डाउन उसकी एवरेजेस कर रहे हो, जिसे हम SIP कहते हैं या लो डाउन डॉलर कॉस्ट वैल्यू कहते हैं, अगर हम वो करते हैं एवरेज आउट करते हैं, तो आप लोगों को जब सीजन स्टार्ट होगा, क्योंकि बुल सीजन की अगर हम बात करें बिटकॉइन सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, ऑल्ट कॉइन भी इसी टाइम के आसपास हर सीजन के अंदर अपना पूरा का पूरा बुल साइकिल दिखाई उनमें देती है। तो हम भी उसी का वेट कर रहे हैं। ऑल्ट्स आर परफॉर्मिंग रियली वेल, बट स्टिल वो मज़ेदार जो होता है प्रॉफिट वो नहीं हो रहा है। तभी मैं आपको कह रहा हूँ जो चीज़ वर्क कर रही है मार्केट के अंदर उसको फॉलो किया जाए। मार्केट में ट्रेंड चल रहा है अभी, जैसे हम अपने आइडियोज़ की बात करें तो आइडियोज़ के अंदर बार बार हमारे को वो 100% का प्रॉफिट इन 2 डेज टाइम मिल रहा है। बहुत लोगों को मेरे को मैसेज आते हैं सर आई एम मेकिंग दिस मच मनी, एंड बहुत लोगों को आते हैं सर अभी तक मेरे को स्ट्रैटेजी समझ नहीं आ रही। मैंने आप लोगों को बार बार बोला जब भी कोई कॉइन लॉन्च होता है उसको लेट इट सेटल डाउन, यानी कि उसके प्राइवेट सेल इन्वेस्टर्स अगर बाहर हो जाते हैं, आपको दिखाई दे रहा है येस नाउ इट हैज़ डम्प्ड, नाउ इट इज़ गोइंग ऑन एक्यूमुलेशन जोन, वो स्ट्रेट वे चल रहा है, परफेक्ट टाइम टू एंटर, बिकॉज उसके बाद वो प्रोजेक्ट्स बहुत सारे न्यूज़ ज़्यादातर डालते हैं अगर वो लेजिट प्रोजेक्ट्स है, और उसके बाद उसके अंदर हमारे 100% की बहुत बार ग्रोथ देखने को मिलती है। दैट इज़ वट आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो आप लोगों के लिए हो, और वो अभी वहाँ पर हमारे प्रॉफिट मिल रहा है तो आप उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करो। ऑल्ट कॉइन के अंदर अगर आपकी अच्छी एंट्रीज है, अगर आपने देखा होगा कोई भी ऑल्ट कॉइन पकड़ लो, दे आर शोइंग लाइक -10%, बट इन रियल दे आर नॉट -10%, बिकॉज इन BTC वैल्यू दे हैव नॉट मूव्ड मच, यानी कि वो वहीं के वहीं कहीं आसपास खड़े हैं। हमारे को अच्छा प्रॉफिट उनके ऊपर बेशक नहीं मिला हो लेकिन वहाँ पे लॉस नहीं हो रहा अभी, मतलब कि ऑड्स भी काफ़ी स्ट्रांग है। येस BTC यहाँ से अगर ब्रेक करता है 55,000-56,000 को, कन्वीनियंटली ऑड्स नीचे ज़रूर जाएंगे, लेकिन वहाँ जहाँ पे भी स्टेबिलिटी मिलेगी और ऊपर भी बहुत स्पीड पे जाएंगे, बिकॉज मनी विल डाइवर्ट फ्रॉम बिटकॉइन टू द ऑल्ट कॉइन्स। सो हमारे को उसका एडवांटेज मिलेगा और प्रॉफिट भी मिलेगा। मैंने सोचा था ये शो स्टार्ट हो जाएगा 2 बजे के करीब दुबई टाइम के ऊपर, 1 बजे भी हुआ था, 1:30 बजे भी हुआ था, लेकिन मैं जब रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो ये स्टार्ट नहीं हुआ है। डोंट नो व्हाई बट इट इज़ ओके। सो राइट नाउ यू कैन सी द बुर्ज खलीफा व्यू। तो देखते हैं अगर स्टार्ट हो जाता है तो वेरी गुड। मेरा मूड तो था कि हम मैं आप लोगों के साथ लाइव करूं, लेकिन लाइव नहीं हो पा रहा बिकॉज ऑफ कोर्स दुबई का नेटवर्क। बाकी आप लोगों को और कोई अपडेट मैं देता रहूंगा। मैं दुबई एक्सपो में भी, क्रिप्टो एक्सपो में भी जा रहा हूं, वहां पे भी ट्राई करने वाला हूं काफ़ी लोगों से मिलने का, एंड आई विल ट्राई टू ब्रिंग देम ऑन चैनल एज वेल इफ़ दे आर गुड इनफ, बिग इनफ, एंड यू कैन बी बेनिफिट फ्रॉम देम, तो मैं उनको भी चैनल पर लाने की कोशिश फॉर श्योर करने वाला हूं। तो अभी के लिए शॉर्ट अपडेट यही था कि बिटकॉइन बहुत स्ट्रांग लग रहा है, बिटकॉइन माइट करेक्ट ओनली अ लिटिल, बट यहाँ से उसके ऊपर जाने के चांसेस वे वे मोर लग रहे हैं।
तो ऑल्ट्स क्वाइन आपको थोड़े बहुत परेशान भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑल्ट्स के अंदर अभी एंट्री ना लेके अगर आप आईडियो की स्ट्रेटजी यूज़ करोगे तो आपको बेटर रहेगा और वहाँ पे आप अच्छा प्रॉफिट बना पाओगे। अगर आप होल्ड कर सकते हो ऑल्ट क्वाइन को तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है वो एंट्री आपको अगले आने वाले 2 महीने शायद मिल भी ना पाए। रीजन बिंग अगर सही से सीजन स्टार्ट हो गया जो कि 2013-17 में हुआ था, वही चीज़ अगर फॉलो हो गई तो गाड़ी मिस भी हो सकती है। तो आई विल ऑलवेज से एवरेज आउट, आई विल ऑलवेज से पार्शियल एंट्री लो ताकि छोटी छोटी आप एंट्री ले लो। छोटी छोटी अगर आप एंट्री ले लोगे अभी फिलहाल तो आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि छोटी एंट्री अगर आपने ली तो अगर वहाँ से रैली अप करना शुरू हुआ, वी स्टिल हैव समथिंग टू बी प्राउड ऑफ टू मेक मनी ऑन। सो दैट्स इट फॉर टुडे फ्रेंड्स, आज के लिए भाई इतना ही, जल्दी से आप लोगों को और भी अपडेट्स मैं देता रहूँगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।